प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सोमवार को जोशीमठ पहुंचकर आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया और प्रभावित लोगों से मिले। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में सरकार पूरी तरह से नगरवासियों के साथ खड़ी है, प्रभावित लोगों की हर संभव मदद की जाएगी। इस दौरान उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद थे। मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि विशेषज्ञ वैज्ञानिकों द्वारा जोशीमठ में भूधसाव कारणों का अध्ययन किया जा रहा है। समस्या का पता लगने पर सब लोगों के सुझाव और सहमति लेकर उचित समाधान किया जाएगा। उन्होंने लोगों से धैर्य रखने की अपील की। प्रभारी मंत्री ने नगरपालिका सभागार में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मौजूदा स्थिति की समीक्षा करते हुए जिला प्रशासन द्वारा संचालित राहत कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि धनराशि की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी, प्रभावित लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधा दी जाए। जिला अधिकारी हिमांशु खुराना ने प्रभारी मंत्री को आपदा राहत के तहत संचालित कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। चमोली से संदीप सिंह की रिपोर्ट। इस आपदा की घड़ी में पूरी सरकार, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, हम जोशीमठ वासियों के साथ खड़े हैं और जो संभव होगा वो सब किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी यहाँ का दौरा करके चले गए हैं और पुनर्वास के लिए सभी लोगों से लगभग 625 परिवारों का पुनर्वास करने की बात हो रही है। आज मैं सारे कैंपों में भी गया हूँ, लगभग 67 परिवारों को देखने में खुद गया हूँ। इस संदर्भ में पीएमओ भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से वार्ता हुई है और जैसे जानकारी आ रही है कल हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी इस क्षेत्र में आएंगे। सबसे पहले ढूंढनी पड़ेगी बीमारी, आखिर किस कारण ये हो रहा है। तो आज भारत सरकार के जो भूगर्भीय सर्वे के जो सारे विशेषज्ञ हैं वो यहाँ आ रहे हैं और एक दो दिन के अंदर पूरा विषय क्लियर होगा। अभी प्रथम जो हमको लगता है सबसे पहले लोगों को विस्तार मूलभूत सुविधा को उनको देना।